भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। संसार में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य का मन क्या क्या चाहता है, मनुष्य का सर्वप्रथम मन ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं। दूसरी चाहत रहती है कि मेरी स्थिति परिस्थिति भी अच्छी बनी रहे, और तीसरी इच्छा रहती है कि थोड़ा आत्म शांति भी मिले, और चौथी इच्छा रहती है कि गरीब और दरिद्र बन करके ना जीऊं, थोड़ा धनवान बन करके भी रहूं, संपन्न समृद्धशाली रहूं। और पांचवी इच्छा होती है मन में कि समाज में थोड़ा हमारा सम्मान भी हो, नाम भी हो। कीड़े मकोड़े की तरह कहीं जिंदगी न बीत जाए, मरूं मरने से पहले लाखों दिलों में मेरी यादें बन जानी चाहिए, ऐसी जिंदगी हो। और अंतिम इच्छा रहती है कि मरने के बाद मेरी आत्मा की सदगति भी हो जाए। इसलिए जो लोग सदगति के कार्य नहीं कर पाते हैं तो मरने के बाद उनकी अस्थियों को गया में ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है कि जिंदा में तो नहीं लेकिन मरने के बाद आपकी अस्थियां जो है गया बिहार में प्रवाहित कर दी गई। इसलिए कहते हैं कि अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था को मजबूत कर दीजिए। अस्थियां आग में जलाई जाएं उससे पहले अपनी आस्था को जन्म दे दीजिए, और जीते जी जिनके मन में आस्था का जन्म हो गया अब उनकी अस्थियों को गया बिहार ले जाओ या कहीं न ले जाओ, क्योंकि आत्मा की सदगति आस्था से होती है, अस्थियों को प्रवाहित करने से नहीं होती। आस्था, आस्था हमारे कल्याण का रास्ता बनाती है। आस्था आत्मा को शांति भी देती है। तो ये सब चीजें कैसे प्राप्त होंगी? कितने लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, जिस डाल पर पांव रखते हैं वो डाल वहीं से टूट जाती है, जिस काम को शुरू करते हैं वो उस काम में सब डूब जाता है, केवल खुद बच जाते हैं बाकी सब डूबा कराते हैं। फिर कहते हैं कि कोई पड़ोसी ने आला बाला तो नहीं कर दिया है, कोई दुश्मनों ने कुछ जंतर मंतर तो नहीं करा दिया है, कुछ कोई जलने वाले लोगों ने हमारे लिए कुछ तंत्र विद्या का प्रयोग तो नहीं कर रहे, नाना प्रकार की भ्रांतियां मन के अंदर जन्म लेने लग जाती।
कभी सोचते हैं ये दुकान का स्थान ठीक नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कभी ऐसा मन सोचता है ये मकान की जगह ठीक नहीं है इसको बेच लूं दूसरी जगह रहूं तो बदल देता, कभी सोचते हैं ये गाड़ी का लोहा हमको छाजा नहीं है, कभी सोचते हैं जब से शादी किया ये चंडिका देवी जब से आई तभी से बर्बाद हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित मन दुखी हो जाता है।